साउंड मास्टर गए चक्कर ब्यू में ये बात है पहली बात के माधव से कहने लग जाते तेरा कुमारी की सासू माँ की सासू माँ जिसे तू लाड़ करती थी जिसे तू प्यार करती थी तेरा लाल इस दुनिया में नहीं है। आई पहली बात के माधव से किस तरीके से समझाती है आएगा और संगीत सारे से गुजारिश करूंगी थोड़ा ठीक है संगीत कारण से गुरुजी से गुजारिश करूंगी जरा धीरे 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 और प्रेमी सजनों पहली बात के माधव से कहने लग जाती है तेरा कुमारी की सासू माँ कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अवसानों से दिल नहीं भरता सासू माँ फिर झूठे अवसानों से दिल नहीं भरता जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है सासू माँ हर बात बुरी लगती है। आएगा दूसरी गली में किस तरीका से समझाती है आएगा कहने लगी इस वीर जाति का
छोटी किसपी बात का राते राप जा किसी ने गुरु द्रोण किसपी बात का मेरा संगी साथ साथ का बात के माध्यम से उत्तरा कुमारी से समझाने लगती है कि सासू माँ खासकर मेरी माता बहनों के लिए ये रागनी रखी है मैंने आपकी जिसमें जरूर ध्यान पूर्वक सुने से कहते हैं कि जिस औरत का पति से दुनिया में नहीं होता कि जिस औरत का पति से दुनिया में नहीं होता वो औरत इस नाशवान संसार में किस तरीका से जीती है किस तरीका से अपने जीवन का गुजरान करती है। कहते हैं कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। सासू माँ अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं लेकिन ये भक्त हमें मजबूर बना देता है मजबूर बना देता है। आइएगा तीसरी बात के माध्यम से किस तरीका से समझाते हैं चौथी बात के माध्यम से समझाती है उत्तरा कुमारी कि जो कभी होता है जो कभी होता है हरि रागिनी का निचोड़ चौथी कली में कर देता है हरि रागिनी का निचोड़ चौथी कली में होया करता है। अगर मेरी इस रागिनी को सुनकर के अंत बात में अगर एक शब्द इस रागिनी का अच्छा लगे और सुनकर के सच्चा लगे तो मेरे लिए नहीं उसे कभी के लिए जरूर दोनों हाथों की ताली चाहूंगी। लेकिन सुनने के बाद आइए किस तरीका से मोती सजता है लास्ट बात में सुनेंगे किस तरीका से बोला
सोनू टैक कैसे।